ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब आगे भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन है नंद महाराज ने किस प्रकार से भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया। अगर आज आप वृंदावन कभी जाते हैं तो जन्माष्टमी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात्रि के समय में मध्य रात्रि, और बाद में अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। महाराज नंद ने किस प्रकार से भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया, उसे मनाया जाता है। तो वसुदेव और देवकी वो तो पहले कारागार में थे, अब कंस ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वसुदेव केवल अपने मन में अनेकों प्रकार के महोत्सव के रूप में उन्होंने मन से दान किया, पुण्य किया और भगवान का जन्म मनाया। लेकिन नंद महाराज किस प्रकार से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं इसका बड़ा सुंदर वर्णन भागवतम में किया है। तो जब पूरे व्रज धाम में गोकुल में ये संदेश फैल गया कि नंद महाराज के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो अनेकों प्रकार से पूरी नगरी को सजाया गया। जैसे हम जब देखते हैं जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारका वासियों ने किस प्रकार से पूरी नगरी को सजा दिया था, जगह जगह पर फूलों की तोरण, सड़कों को धोया जाता है, रंगोली डाली जाती है और अनेकों प्रकार के सुगंधित पदार्थों के साथ में सब जगह उसका जो है छिड़काव किया जाता है, जैसे गुलाब का जल हुआ। तो अनेकों प्रकार के योजनाओं के द्वारा नंद महाराज ने जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने का उसकी योजना बनाई। तो जब ये खबर फैल गई कि नंद महाराज के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है, ग्वाल बाले जो थे वो पूर्ण रूप से सज धज कर नंद महाराज के घर की तरफ आना उन्होंने प्रारंभ किया, और अपने साथ में वो अनेकों प्रकार की भेंट की वस्तुएं लेकर के आ रहे थे उस बच्चे को प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार से जो गोपियां गण थी वो भी अनेकों प्रकार से सुसज्जित हो करके अपने अपने घरों से कुछ भेंट की वस्तुएं लेकर के वो भी नंद महाराज के घर की तरफ उन्होंने जो है चलना प्रारंभ किया। नंद महाराज के घर में उन्होंने जो है अनेकों प्रकार के, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक जन्मोत्सव के रूप में बच्चे का जात कर्म किया जाता है। ये अनेकों प्रकार के शुद्धिकरण के संस्कार होते हैं, इसे दश विधा संस्कार कहते हैं। बच्चे के गर्भ में आने से पहले एक संस्कार होता है जिसे गर्भदान संस्कार कहते हैं, बच्चे के जन्म लेने के बाद संस्कार होते हैं, जात कर्म होता है, नामकरण होता है, बाद में जब बच्चे को
द्विज के रूप में जो है उसे दीक्षा दी जाती है, तो वो भी एक प्रकार का संस्कार होता है। तो अनेकों प्रकार के संस्कार जो हैं मनाए जाते हैं। तो नंद महाराज ने क्या किया, जो ज्योतिष होते हैं, ये जो जात कर्म होता है इसमें क्या क्या होता है, जो ज्योतिष होते हैं उनको बुलाया जाता है, ब्राह्मण गणों को बुलाया जाता है जो अनेकों प्रकार से वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और ये ज्योतिष क्या करते हैं, ये उसके समय के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके, जैसे हम कहते हैं ना, होरोस्कोप बनाते हैं, उसका पूरा भविष्य, बच्चे का क्या होगा, वो लिखित रूप में बनाया जाता है। तो ब्राह्मण गण वहाँ पर आ गए, ये ज्योतिष गण भी वहाँ पर आए हुए थे, और घर के बाहर नगाड़े बज रहे थे, घर के बाहर अनेकों प्रकार के संगीत के कार्यक्रम चल रहे थे। तो एक प्रकार से पूरा त्योहार का वहाँ पर वातावरण था, माहौल था। तो इन्होंने, ये जो ज्योतिष वहाँ पर आए थे, वहाँ पर बैठ कर के भगवान कृष्ण के जातक को वहाँ पे बनाना प्रारंभ किया। नंद महाराज और अन्य जो घर के वहाँ पर पुरुष थे, स्त्रियाँ थी, सब ने स्नान करके, सज धज करके इस कार्यक्रम के लिए वो वहाँ पर आ गए, बच्चे के सामने बैठ गए। और उस समय में ये ज्योतिष जो हैं, ये बच्चे के जातक को पढ़ते हैं, उसको पढ़ा जाता है और बताया जाता है कि ये बच्चा जो है बाद में क्या होगा, क्या क्या कार्य करेगा। जैसे एक जातक जो वहाँ पर पढ़ा गया, उसमें बताया है कि ये बच्चा जो है सामान्य नहीं है, ये दिव्य पुरुष है, इनके पद पर अनेकों प्रकार के दिव्य चिन्ह प्रस्तुत हैं, जिससे पता चलता है कि ये सामान्य बालक नहीं है। जैसे गर्ग मुनि बताते हैं, वो कहते हैं कि इस बच्चे ने इस अवतार से पहले, इस जन्म से पहले 3 युगों में अलग अलग वर्ण में ये बालक पैदा हुआ है, और इसका नाम कृष्ण उन्होंने जो है इस प्रकार से नामकरण भी किया। तो मतलब जो है वहाँ पर ये जो ज्योतिष होते हैं, वो बच्चे का पूरा भविष्य उस जातक में लिख करके बताते हैं और सुनाते हैं। तो ब्राह्मण गण उस समय में अनेकों प्रकार के वेदों के मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं, और क्योंकि नंद महाराज, उनको ये पता नहीं है कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान विष्णु है, वो भी अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे की रक्षा जो है भगवान विष्णु हमेशा करे। तो इस प्रकार का ये जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो ये पूरा समारोह इस प्रकार से जब चल रहा था, तो इसमें बताया जाता है कि नंद महाराज ने अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के बाद में, ये जो वहाँ पर ब्राह्मण गण आए थे, ज्योतिष गण आए थे, और जो संगीतकारक आए थे, जो मृदंग बजा रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, उन सबको उन्होंने कम से कम 2 लाख गायें पूर्ण रूप से सजी हुई, पूर्ण रूप से सुसज्जित, जिनके गलों में अनेकों प्रकार की रत्न की माला है, स्वर्ण का कपड़ा ऊपर है, इस प्रकार से उन्होंने जो है दान दिया। ये भी बताया जाता है कि गाय के साथ साथ में उन्होंने अनेकों वस्त्र प्रदान किए जो स्वर्ण के बने हुए थे, ये दूसरा। तीसरा बताया जाता है कि उन्होंने अनेकों प्रकार के धान्य, वो भी जो है दान में इन ब्राह्मणों को, इन संगीतकारों को, इनको जो है प्रदान किए। अब ये दान क्यों किया जाता है, इसके बारे में
वेदों में बताया है। हम जब इस भौतिक संसार के अंदर में आते हैं तो हमारी परिस्थिति भौतिक संसार में अशुद्ध होती है। हम जो भी कार्य भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ कार्य करते हैं, वो कार्य जाने अनजाने में हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं, मैं कोई पाप कर्म नहीं करता हूं। आप भोजन बनाते हैं, जब आप भोजन बनाते हैं तो आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े आकर के मर जाते हैं। आप जब पानी को उबालते हैं उसमें बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। आप जब रसोई घर को पोंछते हैं या अपने कमरे को पोंछते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप जब अपने कार्यक्रम के लिए कहीं पर जाते हैं, आपके पाँव के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप कर्म हम कर सकते हैं। तो इसलिए वेदों में बताया है हमें ऐसी कार्यक्रम करने चाहिए जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो दशविध संस्कार हैं, ये हमारे जीवन के शुद्धिकरण के लिए बनाए गए। हमारा शुद्धिकरण किस प्रकार से, जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों में कहा है जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात भवेत द्विजा, जन्म हमने शूद्र का लिया, संस्कार का पालन करने के बाद में हमारा द्विजा मतलब होता है दूसरा जन्म, शुद्ध जन्म होता है। हमारा जब पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, वो शूद्र का जन्म होता है, अशुद्ध जन्म होता है। लेकिन संस्कार का पालन करने के बाद में द्विजा कहते हैं, दूसरा जन्म, द्विजा दूसरा जन्म, तो वो संस्कार पालन करने के द्वारा होता है। तो मान लीजिए हम इस भौतिक संसार में अस्तित्व में हैं, शरीर का शुद्धिकरण बताया जाता है कि हमें समय समय पर स्नान करना चाहिए। जैसे अगर हम मल के लिए जाते हैं, मूत्र के लिए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के नियम हैं जिसके द्वारा हम शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद हाथ को धोना चाहिए। तो ये अनेकों प्रकार के शारीरिक जो है शुद्धिकरण है। इसी प्रकार से मन को कैसे शुद्ध रखना है, मन को हमेशा जब भगवान के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, हम अपने मन को भी शुद्ध रख सकते हैं। तो तन भी हो गया, मन भी इस प्रकार से हो गया, हमारी बुद्धि को भी हम शुद्ध कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग जब हम भगवान के लिए विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, हमारे बुद्धि को भी हम शुद्ध कर सकते हैं। हमारे अस्तित्व को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, तो वेदों में बताया है तपस्या के द्वारा। जब हम अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एकादशी का व्रत करते हैं, किसी त्योहार आता है जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, जब हम इन व्रतों का पालन करते हैं हमारा अस्तित्व भी शुद्ध हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सबको धन कमाने की ज़रूरत पड़ती है, गृहस्थ जो होते हैं उनको तो धन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे धन को भी शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि धन अर्जित करने के लिए जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ पाप कर्म तो कर बैठते हैं जब हम धन संचित करते हैं। ये थोड़ी है कि सारा जो भी हम धन संचित करते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से होता है। तो धन का भी शुद्धिकरण कैसे होता है, धन का शुद्धिकरण होता है दान करने के द्वारा। जब व्यक्ति सही स्थान पर सही व्यक्ति को दान करता है उसके धन की शुद्धिकरण होती है। तीन प्रकार का दान बताया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंद महाराज ने दान दिए अपने बच्चे के नंदोत्सव के महोत्सव पर। तो दान को तीन प्रकार से बताया जाता है। जो दान व्यक्ति गलत स्थान पर देता है, गलत समय पर देता है,
और गलत कार्य के लिए देता है, वो अज्ञानता में ज्ञान है, अंधकार में ज्ञान जो है दान दिया जा रहा है, और उसका गलत प्रयोग होगा और उसके द्वारा हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म के भागी बनेंगे। तो सभी प्रकार के दान में हम पुण्य कमाएंगे ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए दान देते हैं और व्यक्ति उस दान के द्वारा जाकर के दारू पीता है तो हम भी उसके पाप कर्म के भागी बनते हैं। तो दान ये हो गया तमोगुण में दान, जहां पर आपको पता नहीं है कि मेरा दान कहां पर जा रहा है, उसका क्या प्रयोग होगा, गलत समय पर गलत जो है कार्यक्रम के लिए गलत आदमी को आप दान देते हैं। दूसरा दान होता है जब व्यक्ति अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने नाम कमाने के लिए मात्र जो है दान करता है, इसे रजोगुण में दान बताया जाता है। और सत्वगुण में जो दान होता है, सही व्यक्ति को सही समय पर और सही कार्यक्रम के लिए जो दान दिया जाता है, और बिना किसी इच्छा के कि मैं इस दान में दे रहा हूँ इसके बदले में मुझे नाम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो दान जो है सही प्रकार का नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, नंद महाराज ने इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया जिसके द्वारा हमारा जो संचित किया हुआ धन है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो इस कार्यक्रम को निपटाने के बाद में अब नंद महाराज ने सोचा कि मैं अब मथुरा नगरी की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको राजा कंस को कर देना था, तो टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए अब नंद महाराज जो है योजना बना रहे हैं कि मैं किस प्रकार से गोकुल को सही प्रकार से सुरक्षित रख के अब मैं जो है मथुरा की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करें। हरे कृष्णा।